वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 एमएल अग्रवाल बुक के चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको अच्छे से रिपीट करके या फिर अच्छे से रिवाइज करके अपना बोर्ड एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 100% आपसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, या फिर कह लूँ कि जिनको रिवीजन के टाइम पे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उनको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब मेरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का या फिर यह सीरीज़ बनाने का मेन मोटो ये है कि जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को रिवाइज कर पाओ। तो आज आपको यहाँ जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जो कि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो कि 100% इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो पहले हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को पहले मार्क करेंगे, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना चाहिए, और देन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो और ये जो क्वेश्चंस आप बताया जा रहा है, इनको खुद से एक बार रिवीजन करो, खुद से रिपीट करो, और अगर आप इनको खुद से रिपीट करते हो तो 100%, और आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप अपने टीचर से डिस्कस करें या फिर हमारे चैनल्स पर जो वीडियोज अवेलेबल हैं उनको खोल के आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को जो आज आपको बताया जा रहा है, इनको आप 100% रिवाइज करके ही अपना बोर्ड एग्जाम देने या फिर प्री बोर्ड एग्जाम देने जाएं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा आप सभी के लिए इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 18 से, इनको हमें रिपीट करना है, वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 7, जिसको हमें करना है। आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 भी हमें करना है। और देख लो आप एग्जाम्पल नंबर 11 जब आप अपने बुक का देखोगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर 18 का, तो आप पाओगे कि जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो रिपीट हुए हैं दो बार, 2009 2004 में, 2015 2003 में, हर एक क्वेश्चन दो दो बार रिपीट हुआ है। तो आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 7, 10, 11, देन हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 14, इसको हमें रिपीट करना है। एग्जाम्पल नंबर 16 आपको रिपीट करना है, और जो पी वाई क्यूज़ हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनको तो हमें करना है। मैं बार बार अपने जो भी वीडियो से समय मैंने बता रखा है कि पी वाई क्यूज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हमें नहीं छोड़ना है। अगर मैं कहीं पर पी वाई क्यू टिक नहीं भी कर रहा तो आपको पी वाई क्यू तो रिवाइज़ करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि पी वाई क्यू रिपीट होने के चांसेस भी हैं, और अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, देन एग्जाम्पल नंबर 18 का पार्ट 1 पार्ट 2, ये हमें करना है, 18 का पार्ट 1 पार्ट 2। देन आगे हम बात करें तो हमारे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है, देन उसके बाद से एग्जाम्पल नंबर 21 का पार्ट 3 आपको करना है, एग्जाम्पल नंबर 21 का पार्ट 3। देन आगे चलते हैं हम लोग, तो अब हम बात करेंगे जो भी हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्या हमारे एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें करना है। अभी तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में बताया, अब हम एक्सरसाइज 18 में देखेंगे कौन से क्वेश्चन जो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हमें रिवाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, बाकी जो क्वेश्चन है 1 to 7 वो आपके सिलेबस से हटा लिए गए हैं, वो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 एंड पार्ट 4 हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 पार्ट 4। देन क्वेश्चन नंबर 11 का हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 11 हमें कंप्लीट रिवाइज करना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 हमें करना है, इसके भी दो पार्ट हैं, आपको डिटेल में रिवाइज करने हैं। देन क्वेश्चन 14 आपको करना है, 9, 10, 11, 13, 14। देन अगर आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको रिवाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको रिपीट करना है, और क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने 3 बताए, इस टाइप के क्वेश्चन देखा गया कि हर बार रिपीट होते रहते हैं, 18, 19, 20 टाइप वाले। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, उन सबके 3-4 पार्ट दिए गए हैं, तो 18, 19, 20 ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इनको आपको अच्छे से रिपीट कर लेना चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21 हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 22 करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 1 आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 1
क्वेश्चन नंबर 24 हमें करना है कंप्लीट, एंड 26 का पार्ट सेकंड, 26 का पार्ट सेकंड। बस आप इतना क्वेश्चन कर लो तो आपको समझ लो ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हो गया। तो हमारे इस चैप्टर पे चैनल पे सॉरी हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो हैं, आप उनको एक बार देखें और जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है आप इनका प्रैक्टिस करें, समझ लो आपका मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन हो गया। मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको विद इन 10 मिनट्स मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कराया जाएगा। हर एक वीडियो एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए होगा जिसमें आपको 10 मिनट के अंदर उस चैप्टर को एक्सप्लेन करके साथ ही साथ हर एक फार्मूले पे एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो वह जो चैप्टर हुआ जो सीरीज होगा आप सभी के एक कह लो क्विक रिवीजन का काम करेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू, ताकि ऐसे वीडियोज़ का लिंक आपको डे बाई डे मिलता रहे, आप इनको मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।